हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग इंडिया में। आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी के लिए मोदक। तो आज हम बिल्कुल अलग तरीके से और बिगर मावे के, बिगर दूध के हम इसे बनाने वाले हैं। ना इसमें हमें ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं चाहिए और ये आप देख सकते हैं कितने यूनिक लग रहे हैं देखने में। और इसके लिए आपको कोई ढांचे की भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से हाथ से ही बना सकते हैं। अगर आपके पास मोदक का ढांचा नहीं है तो आप हाथ से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हमारे चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप हमने कोकोनट पाउडर लिया है। तो कोकोनट पाउडर बारीक होता है पर हम इसे पीसेंगे। तो एक कप से थोड़ा कम हम मिल्क पाउडर ले लेंगे और आधे कप से कम हम चीनी लेंगे। तो थोड़ी चीनी हम इसमें और ऐड कर लेंगे। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने इसे अच्छे से बारीक करके पीस लिया है। तो पीसने के बाद में हमें लेना है थोड़ा सा दूध। तो दूध हमने आधे कप से भी कम लिया है और वो भी हमारा इसमें यूज नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध करके हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसके हम 4 भाग कर लेंगे जो हमने डो बना के रेडी किया है। 4 भाग करने के बाद में हमने 3 भाग में कलर मिलाना है। एक में रेड कलर मिलाएंगे, एक में येल्लो कलर, एक में ग्रीन कलर। तो अगर आपके पास फ्लेवर कलर हैं वो भी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप फ्रूट पाउडर भी मिला सकते हैं। इसमें फूड कलर जो आते हैं वो आप इसमें मिला सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में तीनों को मिक्स करना है। एक भाग हमें सफ़ेद ही रखना है और अब इसके हमें गोले बना लेने हैं। चारों भागों के गोले बना लेंगे। तो जो 3 भाग हैं कलर के उनके हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे और जो वाइट कलर के हैं वो उसके हम बड़े बड़े गोले बना लेंगे। तो इसके हमने गोले बना के रेडी कर लिए हैं और इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से हाथ से प्रेस करके इसे थोड़ा लंबी शेप में कर लेंगे। तो सारे गोले को हमें इसी तरीके से कर लेना है लंबी शेप में। और लंबी शेप में करने के बाद में हमें इसका जो आगे का प्रोसेस है वो बताएंगे। तो पहले हम सारे गोलों को अच्छे से लंबे कर लेते हैं। तो आप इसी तरीके से सारे कर लीजिए। तो हमने सारे कर लिए हैं। तो अब एक एक करके हम सारे में से एक एक पीस ले लेंगे। तो हमने ये 6 पीस ले लिए हैं, 2-2 पीस हमने सारे में से लिए हैं। तो अब इसे हमें हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस करना है और हल्के हाथ से और इसे दबाना है और फिर हमें हल्के हाथ से ही इसे इस तरीके से घुमाना है और इसे एक फूल शेप में हम इसे बना लेंगे। गोल शेप बनानी है इसकी बिल्कुल। तो धीरे धीरे इसे आप गोल कीजिएगा और हल्के हाथ से पीछे से इसे दबाते रहिए। तो आप देख सकते हैं किसी इसी तरीके से आपको इसकी शेप देनी है और बहुत आसानी से ये बन जाता है। टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और आप इसे घर में मोदक बना के रेडी कर सकते हैं। और तो देखिए, हमने इसका गोला बना लिया है। तो इसे हमें पूरा गोल करना है, इतना ही गोल नहीं करना है, इसे पूरा गोल करना है। तो इसे थोड़ा थोड़ा आप दबाइए पतला पतला करके और पीछे से थोड़ी गैप करके और इस तरीके से। इसलिए हम आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं ताकि आप आसानी से पूरा देख के पूरा इसे गोल बना सकें। तो देखिए, ये पूरा गोल बन चुका है। तो हम इसे अब थोड़ा सा प्रेस करेंगे बीच में से और थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो ये थोड़ा हमने बड़ा कर लिया है और अब देख सकते हैं इसके सारे फूल अलग अलग चमक रहे हैं। और इसे हम नीचे से छुटा लेंगे। छुटाने के बाद में हमें इसमें एक वाइट गोला रखना है। तो पहले इसे अच्छे से हम प्रेस करके इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसे चक्कू की सहायता से नीचे से छुटा लेंगे। नीचे चिपक जा अगर आपका बेस नीचे से चिपक जाता है तो इसे छुटा लीजिए चक्कू से। अब इसे हमने एक गोला रख लिया है और अब इसे धीरे धीरे से हमें कवर करना है। और ध्यान रखिए कि हमारे फूल जो है, हमारे कलर जो है, मिक्स नहीं होने चाहिए और सेम तरीके से हमें सारे मोदक बना के रेडी करने हैं। तो हमारे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कलर मिक्स नहीं हुए हैं और इसमें बहुत ही अच्छा हमने आकार दे दिया है गोल हमने। और देखिए, सारे गोले हमारे मोदक बन चुके हैं और एक जो हमारा वाइट डो बच गया था उसका हमने एक वाइट मोदक बना के रेडी कर लिया है। और इसकी अब हम एक लेयर बनाएंगे और इस पर हमने मोदक के ऊपर हमें एक डिज़ाइन बनाना है अच्छा सा, ताकि वो अच्छा लगे और देखने में यम्मी लगे,
सुंदर भी लगे और मोदक हमारे बिल्कुल सुंदर लगे। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर गोले बना के रख देने हैं और ऊपर से हल्का सा किसी भी चीज़ से आप इस पे इस तरीके से प्रेस कर दीजिए ताकि इसमें अच्छा सा लुक आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा लुक आ गया है। तो सारे मोदक को हमें इसी तरीके से करना है और आप देख सकते हैं कितने यूनिक लग रहे हैं और कितने देखने में टेस्टी भी लग रहे हैं और ये कलरफुल हैं, तो बहुत ही यम्मी देखने में, अलग ही इसमें यूनिक आ रहा है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और जो हमने वाइट मोदक बनाए हैं उसमें हमें जो जो हमारे हमने ग्रीन और येलो और ऑरेंज डो बचाया है उसमें से हमें इसकी लेयर बना के और इस पर चिपकाना है ताकि हम इसका भी एक मोदक बना के रेडी कर सकें। तो चलिए इसका भी मोदक बना के रेडी कर देते हैं। और सारे मोदक हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, बस हमें उसी मोदक को रेडी करना है। तो इस तरीके से आप उसमें मोदक को भी रेडी कर सकते हैं। और अगर आप वाइट मोदक बनाने तो इस तरीके से बना लीजिए, अगर आप कलरफुल मोदक बनाना चाहते हैं तो आप जैसे हमने आपको बना के दिखाए हैं आप उसी तरीके से कलरफुल मोदक बना के रेडी कर सकते हैं। तो अभी हमें इसमें एक काम और करना है क्योंकि अभी हमारे मोदक बन के रेडी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें एक डिज़ाइन और देना है। तो आप चाहें तो और भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं, लेकिन मुझे यही पसंद आया और यही अच्छा लगा देखने में और बहुत ही यूनिक भी लगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं मोदक अपने गणेश चतुर्थी पे। तो गणेश चतुर्थी स्पेशल के लिए हमने ये मोदक बना के रेडी किए हैं, आप देख सकते हैं और आप भी बना सकते हैं। तो चलिए देखिए दूसरे जो हमने सफ़ेद मोदक है हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो आप इस तरीके से मोदक बना के रेडी कर लीजिए और इसमें ये चक्कू की सहायता से या किसी भी स्टिक की सहायता से आप इसमें इस तरीके से डिज़ाइन बना दीजिए ताकि इसका जो टेक्सचर है वो और भी यूनिक लगे। इस तरीके से हम इसमें अच्छे से डिज़ाइन बना देंगे। तो सारे मोदक में आप इसी तरीके से डिज़ाइन बना लीजिए। तो हमने ये इतने ही मोदक बनाए हैं, आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप ज़्यादा बना सकते हैं। तो इस तरीके से सारे मोदक को आप रेडी कर लीजिए। तो आप इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना लिए हैं। तो सारे मोदक में इसी तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे और ये बहुत ही यूनिक लगते हैं देखने में। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और ये कट करके भी हम आपको दिखा देते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम आपसे आगे मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने इसे कट करके आपको दिखाया है, अभी बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये मोदक और देखने में तो बिल्कुल लाजवाब लग रहा है और बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन इस पर हमने बनाया है। तो आप इस तरीके से इस मोदक को बना के रेडी कीजिए और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास गोले का बुरादा नहीं है तो आप सूखा गोला लेके उसके काले छिकल को निकाल के और इसे पीस कर आप इसका गोले का बुरादा बना के इसे यूज कर सकते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि गोले का बुरादा नहीं है तो आप बना नहीं सकते हैं। तो आप घर में गोले रखे हुए से भी बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको बनाकर खिलाइए। आपको मैं वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।